छोटी सी वीडियो के माध्यम से अगर आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, और हम उसे दिल पे ले बैठते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और हम ठीक भी हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या होगा, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी स्कैन, ब्लड चेक दुनिया भर की करते हैं। हाल ही के कुछ दिनों में मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक छोटा सा इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान और वीडियो आने में इसीलिए काफ़ी दिन लग गए थे। तो फिलहाल आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी के साथ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है और गाड़ी वाले को इतना ज़्यादा दिल पे ले लिया कि अभी यार गाड़ी को 1 साल ही हुआ है, गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी को चलाने में मज़ा ही नहीं आ रहा, पिकअप ही नहीं आ रहा, गाड़ी की पिकअप बिल्कुल डाउन हो गया, इसका पिकअप दोबारा से कैसे आएगा, जो स्टार्टिंग के दौर पर गाड़ी का पिकअप था वो दोबारा से कैसे आएगा। तो मैंने कहा छोटी सी दिक्कत है, तो उस टाइम मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि जिस टाइम मैं डॉक्टर के पास गया था मैंने कहा यार मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बड़ा परेशान हूँ, कैसे ठीक होऊंगा। उन्होंने कहा छोटी सी दिक्कत है, ठीक हो जाओगे। सेम उसी तरह की प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम किससे किससे, जो आपको भी ये देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी गाड़ी में है तो कैसे आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, या आप मैकेनिक हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो तो आपके लिए है। एक छोटी सी दिक्कत काफ़ी मदद करती है कि वो चीज़ ढूंढने में, छोटी सी वीडियो के माध्यम से अगर आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, और आपके किसी काम आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ जिससे आप पता लगा पाएँ कि ये प्रॉब्लम किस तरह की है। पिकअप की बात कर रहा हूँ मैं अभी, यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम हुई है, आप उसको नोटिस करना, जैसे ही मैं गियर डालूँ तो खड़क करके आवाज़ आ रही है। तो ये एक पहला रीज़न है जो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरी बात मैं दिखाता हूँ, अगर आप गियर में डाल के अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर, मतलब गाड़ी को स्टार्ट करके ऐसी गियर डाल के पावर लेना चाहते हैं तो पावर बड़ी देर में मिलती है, मतलब उतनी ज़्यादा जो फोर्स मिलना चाहिए ना, जो टॉर्क मिलना चाहिए गाड़ी का, जो टॉर्क होता है उठाने की क्षमता या उठाने की पावर, वो ख़त्म हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों का, या गियर काफ़ी हार्ड पड़ते हैं, उन सारी चीज़ों का सलूशन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी वाला कह रहा है यार गाड़ी को चलाने में मज़ा ही नहीं आ रहा, पिकअप ख़त्म हो गया, पावर ख़त्म हो गई। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो समस्या का समाधान कहाँ निकलता है इस वीडियो के अंदर। ये सब लाल दिख रही है ना, फिर थोड़ा और अंदर गए, इसके अंदर हल्का सा कालापन आना चालू हुआ, देखो और ज़्यादा कालापन आना चालू हुआ, क्योंकि जो प्लेटें घिसती हैं इसमें बाहर साइड की घिसती हैं। और देखो प्लेटें कितनी जल्दी गर्म पड़ जा रही हैं, अभी हमने 2 मिनट गाड़ी स्टार्ट करी थी और देखो गर्म पड़ गई है। अगर इस सिचुएशन में अगर हम काली क्लच प्लेटें डालते हैं तो आज नहीं तो कल दोबारा से ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और गियर अच्छे से फिर भी नहीं पड़ पाएंगे,
गियर फिर भी प्रॉब्लम करते हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप मतलब ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, 2200-2300 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल सोल्यूशन दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे पास है ओमेगा का क्लच असेंबली, हाफ क्लच असेंबली। और ये आपको पड़ेगा 2500 रुपये। हल्की सी किक मारी है, हल्के हल्के, तो खांचे में नहीं बैठ रहे ना बीच वाला, हल्के हल्के बिठाओ, क्योंकि अंदर के ग्रुप और बाहर के ग्रुप मैच नहीं होते ना। अब मैच हो गए, अब बैठा दो पूरा, किक मत मारना, किक मत मारिए, कस के धक्का दो ना इसको, बैठा, अब बीच वाला नट टाइट कर दो, इतना ही काम किया है इस गाड़ी के अंदर। इसके बाद जो इसके अंदर पावर महसूस हो रही है वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आप यकीन मानिए, अगर आपकी गाड़ी की पावर खत्म हो चुकी है, गियर पड़ने में काफी हार्ड पड़ते हैं, तो एक बार हमने डलवा के देखिए, 1500 रुपए का खर्चा, ज्यादा कुछ महंगा भी नहीं है। 100% आपकी गाड़ी का पिकअप बढ़ जाएगा, और पिकअप बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि हमें पता नहीं चलता हमारी क्लच ब्रेकें कब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो इंजन की टेक्नोलॉजी अलग लेवल की है। तो आप एक बार मतलब जब भी आप गाड़ी 2000 या 3000 किलोमीटर के बाद सफाई करवा लें या जब सर्विस करवा दें, तो क्लच खुलवा के वो चेक करवा लीजिए। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि अगर हमारी गाड़ी का पिकअप खत्म हो जाता है या गियर बहुत हार्ड पड़ते हैं या गाड़ी की जो पहले की पावर थी वो खत्म हो जाती है, किस तरह वो पावर, अगर आपकी जो पुरानी पावर है वो खत्म हो गई है, उस पावर को आप दोबारा से पाना चाहते हैं या बोले री ग्रेन, इंग्लिश का सब्जेक्ट टफ पड़ेगा आपके लिए, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है। अगर आप चाहते हैं अपनी गाड़ी में दोबारा से वही जोश या वही पावर महसूस करना, तो सबसे पहले हमें क्लच चेक करना है।
हमें क्लच प्लेटों को चेक करते रहना है कि क्लच प्लेटें खराब ना हो, और हमें जो अपना ड्राइविंग स्किल है हमारा या जो ड्राइविंग स्टाइल है हमारा उसको चेक करना है कि कहीं हम क्लच ऐसे दबा के तो नहीं रखते। अगर हम हल्का सा क्लच दबा के रखेंगे तो वहाँ पर क्लच प्लेटें घूमती रहती हैं, हालांकि आपको महसूस नहीं होगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि गियर गाड़ी के बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ने लगते हैं या टाइट पड़ने लगते हैं। तो ये समझ लीजिए कि क्लच प्लेटें खत्म हो चुकी हैं, अगर पावर खत्म हो चुकी है। तो ओवरऑल समझाने का मतलब यही था पूरा कि क्लच प्लेटें खत्म हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, तो बिजली का डाउन होता है ऐसा पता चलता है। तो अगर आपको समझ में आता है ये पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला कहानी है, ये पूरी कहानी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप अपनी गाड़ी से कितना प्यार लगाव करते हैं और कैसे उसकी मेंटेनेंस करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहो, आवाज रहो, घर रहो या बाहर रहो।